नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी एंड यू आर वाचिंग ट्रेंडिंग दिस इवनिंग। फिल्म अजमेर 92 आज रिलीज हो रही है। इसकी कहानी देश के सबसे बड़े रेप स्कैंडल पर बेस्ड है जो राजस्थान के अजमेर में हुआ था। करीब 250 लड़कियों को उनके ऑफेंसिव फोटो और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया था और महीनों तक उनका रेप किया गया था। इस कांड में अजमेर के रईस ज्यादे शामिल हैं। जब 1992 में इसका खुलासा हुआ था तो पूरा देश साइलेंस रह गया था। मूवी को लेकर मुस्लिम सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव और अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के ऑफिस बियरर्स ने ऑब्जेक्शन किया है। फिल्म के जरिए एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करने का ब्लेम लगाया गया है। दरगाह कमेटी की ओर से वार्निंग भी दी गई है कि अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही पूरे देश में पीस के अगेंस्ट करने की वार्निंग भी दिया गया है। अजमेर 92 फिल्म को रिलीज करने से पहले दरगाह कमेटी को फिल्म दिखाने की मांग की गई है जिससे कि कोई विवाद खड़ा ना हो। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला स्पेन में जारी है। दूसरे दिन का खेल आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 280 रन बनाए हैं। विराट कोहली 87 और रविंद्र जडेजा 36 रन पर नॉट आउट रहे। दूसरे दिन भारत की ओपनिंग वही करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक बनाने की प्लानिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा ने इस बायोपिक के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया है। उनका मानना है कि पीएम मोदी के कैरेक्टर को सही ढंग से पेश करने के लिए अमिताभ बच्चन ही परफेक्ट रहेंगे। ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वर में टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।